क्यों? तो यहाँ पे हम लोग आज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्टार्ट करेंगे जो है कि कलर के बारे में। तुम्हें तो बताया था हमने कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर का कारण क्या है? एक तो जो पैरामैग्नेटिक होंगे, ऑल दोज आर पैरामैग्नेटिक, ऑल दोज आर पैरामैग्नेटिक, विल शो कलर, विल शो कलर, ये कलर शो करेंगे। क्यों करेंगे? कलरेशन, कलरेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंपाउंड इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन, ठीक है। डीडी ट्रांजिशन होता है, डीडी ट्रांजिशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डी से डी में ही जंप करेगा, और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम टी टू जी टू ई जी इन ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड ई जी टू टी टू जी इन टेट्राहेड्रल, क्योंकि उल्टा हो जाता है हेड्रल, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन डीडी ट्रांजिशन होता है, डी के टी टू जी सी ईजी में ट्रांस जाता है, ईजी से टी टू ई में जाता है, तो जो है कि इमिशन ऑफ कलर होता है, और इस वजह से ये कलर शो करते हैं, ठीक है। तो ये कलर का कारण हो गया। अगर लिगेंड नहीं पहुंचा, क्वेश्चन अगर पूछ लो, पूछा जाए कि लिगेंड अगर एब्सेंस है, एब्सेंट है, तो क्या वहां पे कलरेशन होगा? कोई बता सकता है कि अगर मान लो लिगेंड डी ऑर्बिटल के पास पहुंचा ही नहीं, तो क्या वो कलर शो करेगा? एक कलर कलर्ड होगा या कलरलेस होगा, बोलो। बोलो, कलर्ड होगा या कलरलेस होगा? अगर लिगेंड नहीं पहुंचा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होगी। एक्साइटेड कब होगा? अरे अगर कोई हमसे गले मिलने चाहेगा तभी हम गले मिलेंगे, जबरदस्ती तो जाके मिल नहीं लेंगे। और अगर कोई है ही नहीं तो गले किससे मिलेंगे, बोलो। तो अगर लिगेंड नहीं है तो डी जेनरेट एनर्जी जो है, जेनरेट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगी? जब अप्रोच करता है लिगेंड तो स्प्लिटिंग होती है, और जब स्प्लिटिंग होती है तो डीडी ट्रांजिशन होता है। अभी यहां लिखा हुआ है टी टू जी टू ई जी, ई जी टू टी टू जी, ये टी टू जी ई जी ऑर्बिटल कब बनेंगे? जब लिगेंड अप्रोच करेंगे। इसका मतलब है कि जब लिगेंड नहीं पहुंचते हैं, जब एब्सेंट होते हैं, तो हम वहां पे डीडी ट्रांजिशन की बात नहीं करते, तब वहां पे कोई कलर नहीं आता है, तब उस कंडीशन में कोई भी कलर नहीं आता है। आई बात समझे? ठीक
ठीक है, तो ये बात नोट करो, कर लो, ना हो तो सारा तो नोट ही करना है, इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, एब्सेंस ऑफ लिगेंड, नो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस, देयरफॉर देयरफॉर देयर विल बी नो डीडी ट्रांजिशन ट्रांजिशन एंड नो कलरेशन। ठीक है, कोई कलर नहीं आता है। तो ऐसे छोटे छोटे बेसिक चीजें होती है जिसमें प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। अब थोड़ा सा पहले यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ सीएफटी देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलो यहां पे लिमिटेशन लिमिटेशन ऑफ सी एफ पी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसकी लिमिटेशन क्या है? अभी जैसे कि हम लोग आगे जो है कि निकिल का एक कंपाउंड पढ़ेंगे, निकिल कार्बोनिल। निकिल कार्बोनिल में क्या होता है कि वहां पाई बॉन्ड भी बनता है, वहां पे क्या बनता है, पाई बॉन्ड भी बनता है। आई बात समझे, वहां पे पाई बॉन्ड भी बनता है। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है ये इसे नहीं पता है, ये कंसीडर ही नहीं करता है। इट डू नॉट कंसीडर कंसीडर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। पहला लिमिटेशन ये हो गया कि ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को कंसीडर नहीं करता है। और एक जो रिलेशन है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का, ये भी क्लियरली यहां से क्लासिफाइड नहीं हो पाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो अनेबल टू इज ऑल्सो अनएबल टू गिव सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ठीक है, एक स्पेक्ट्रोस्कोप से उन्होंने देखा क्या कि अगर सपोज करो यही एक मेटल है एफी, इसी से आकर के साइनाइड जुड़ गया, इसी एफी से आकर के नाइट अमोनिया जुड़ गई, इसी एफी से आकर के कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गया, इसी एफी से आके H2O जुड़ गया। तो जब उन्होंने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड जुड़ रहे थे, तो स्पेक्ट्रोस्कोप में जो ग्राफिकल डेटा होता है उसमें जो पीक्स होती है
वो अलग अलग दिखाई दे रही थी और उसके बेस पे उन्होंने स्ट्रांग और वीक बना करके थमा दिया कि लो भैया आप पढ़ लो तुम लोग, ठीक है। लेकिन ये कतई डिफाइन नहीं करता है कि वाटर क्यों जो है स्ट्रॉन्गर देन ओएच माइनस है, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं करता, ये भले बता दिया कि स्पेक्ट्रोस्कोप की स्टडी से मेजरमेंट से ये पता लग गया कि वाटर स्ट्रॉन्गर लिगेंड है देन द व्हाट ओ एच आयन, बट वाई ये नहीं एक्सप्लेन करता है। इट डू नॉट एक्सप्लेन व्हाई वाटर H2O इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन OH माइनस, ठीक है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई। और कभी कभी मेटल के बीच में पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, कभी कभी मेटल मेटल के बीच में पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस केस में भी जो है कि क्रिस्टल फिट थ्योरी ये बताने में असमर्थ होती है, अनेबल होती है। इट डू नॉट एक्सप्लेन पार्शियल कोवेलेंट नेचर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड है, ये पार्शियल नेचर को भी नहीं बता पाता है। तो ये खत्म हो गया इसका लिमिटेशन। अब इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, बहुत छोटी सी है, बस ऐसे ही हम ओरली देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो कि हुंस और मोल्केन ने दिया था, याद होगा, एमओ थ्योरी। इसमें ये बताया था कि जो मेटल के पास बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के दौरान सारे के सारे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, कोई ऑर्बिटल बचता नहीं है। जैसे जनरली बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब भी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है तो वहां पे दो तरह के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, एक तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, लेकिन सारे ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। भले ही कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते हैं, तो लेकिन हम दो सबको बोलेंगे कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ठीक है। इसको नोट कर लो जरा सर। चलो नोट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं स्टेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब
अब हम देखो क्वारिनेशन कंपाउंड में जानते हैं कि जब भी ये कंपाउंड बनता है तो लिगेंड आकर के जुड़ते हैं, लिगेंड आकर के क्या होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या निकालना होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, हमें निकालना होगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि लिगेंड टाइम टू टाइम आकर के क्या होंगे, जुड़ते जाएंगे, ठीक है, और वो भी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रिया में। तो यहां पे हम देखते हैं कि कोई अगर मेटल है इसके ऊपर एन प्लस और यहाँ पे एन लिगेंड है, ठीक है, तो ये आकर के अगर जुड़ते हैं एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, यहां से एम और एल एन के बीच में एन प्लस, ठीक है, तो ये बार बार आकर के क्या होंगे, जुड़ते जाएंगे। आई बात समझे, इसको हम माइनस मान के चलते हैं, चलते हैं। तो यहां पे हम लोग k इक्वल टू क्या लिखेंगे, k इक्वल टू लिखेंगे एम एल एन, ठीक है, एन माइनस और अपान में एम एन प्लस और एल के पावर में एन, ठीक है। अब यहां पे ली चेटेलियर्स फैक्टर काम करेगा, ठीक है, ये क्या है, एसोसिएशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है मगर इसको यहां पे एसोसिएशन कांस्टेंट बोलेंगे। आई बात सुनिए, ठीक है, एसोसिएशन कांस्टेंट। अब फैक्टर कौन कौन से हैं स्टेबिलिटी के लिए, एक तो फैक्टर यहां पे हो गया कि अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसका कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, इसको नोट कर लिया होगा, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी इसी एडिट के अंदर है, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, तो पहला फैक्टर इसके अंदर है चार्ज, चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, पहला है चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज क्या है, क्योंकि जितना चार्ज उतनी स्टेबिलिटी, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, और इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड, अगला जो है नेचर ऑफ मेटल आयन भी कर सकते हैं, नेचर ऑफ मेटल आयन। नेक्स्ट हमारा दूसरा है नेचर ऑफ मेटल आयन, ठीक है, मेटल आयन का नेचर क्या है। तो यहां पे स्टेबिलिटी अगर हम देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी
ऑर्डर। अब हमारा किस डी सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, किस डी सेल में जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 3D वाला एलिमेंट एटम सेंट्रल मेटल है तो उसकी कम होगी 4D से और 4D का कम होगा 5D से। तो अगर मेटल आयन हमारा 5D को बिलोंग करता है तो इसका जो कॉम्प्लेक्स होगा मोर स्टेबल होगा। आई बात समझे। उसके बाद है बेसिक नेचर ऑफ निगेटिव। बेसिक नेचर ऑफ निगेटिव थर्ड है बेसिक नेचर ऑफ निगेटिव। ठीक है। बेसिक नेचर कैसे अफेक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं इसमें, जो हम लोग तो जानते हैं कि सारे लिगेंड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, लुईस बेस होते हैं, तो वो लुईस बेस तो है ही। अब जो जितना स्ट्रांग होगा उतना जल्दी डोनेट करेगा। ठीक है। और वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आर मोर बेसिक, लिगेंड्स आर मोर बेसिक एंड फॉर फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक चीज और। चौथा है चिलेशन। चिलेशन तो सबको हमने बता दिया है कि जो ऐसे भी लिगेंड होते हैं जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, वो जो है कि फर्मली या स्ट्रॉन्गली सेंट्रल मेटल को कैप्चर कर लेते हैं। तो वो जितने भी चिलेटिंग लिगेंड से कॉम्प्लेक्स बने होते हैं मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग चिलेशन चिलेशन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है। स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। आई बात समझ में। चलो इसको नोट कर लो सब कोई। तो हमने यहाँ पे स्टेबिलिटी का सारा बता दिया, चार पॉइंट, जिसमें तो एक था हमारा चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल, दूसरा था नेचर ऑफ मेटल आयन, तीसरा बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड और चौथा हमारा था स्टेबल चिलेशन। ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम आते हैं फटाफट यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कहाँ हम इसका यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज हम कहां करते हैं, बहुत जगह पे हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इसका यूज करते हैं। दीज आर यूज इन These are used in quantitative and qualitative analysis
ऑफ मेनी कंपाउंड, मेनी कंपाउंड, ठीक है। दूसरा यूज अब इसका करते हैं हार्डनेस दूर करने के लिए, दीज आर आल्सो आल्सो यूज इन इन रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। और इसमें जो है कि EDTA जो है यूज होता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड EDTA। इसके बाद कहाँ यूज है, हमारे बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आयन घूमते हैं, तो उससे पहले तुम ये बता देते हैं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ सम मेटल इट हेल्प इन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल ऑफ मेटल। कौन कौन से मेटल है, एग्जाम्पल मेटलर्जी में यूज करते हैं सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक है। इनके इनके साल्ट को प्यूरिफाई करके मेटल को निकालना, मेटल निकालने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं, जिससे कि हमें सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम रिड्यूस होकर के मिल जाता है। तो ये मेटलर्जी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बायोलॉजिकल सिस्टम में भी इसका इम्पोर्टेंट है। इसको नोट कर लिया होगा सबने, दे हैव ग्रेट इम्पोर्टेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम, दे हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, जैसे क्लोरोफिल को ले लो, क्लोरोफिल एक ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स है, और क्या करता है सबको पता है, हीमोग्लोबिन को ले लो, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, वो बॉडी में क्या करता है सबको पता है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और ये कैटलिस्ट के फॉर्म में भी यूज होते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस से, ठीक है। दीज आर आल्सो यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन बायोलॉजिकल सिस्टम इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इन मेनी मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस प्रोसेस, ठीक है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है। और एक लास्ट यूज हम लोग देख लेते हैं, क्या है वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी इसका यूज होता है, ठीक है। चिलेटिंग स्ट्रक्चर जो इसके अंदर पाया जाता है, ड्यू टू चिलेशन these compounds are used in medicinal सेक्टर, मेडिसिनल सेक्टर में आजकल इन कंपाउंड्स का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, ठीक है। मेडिसिनल सेक्टर में
इनका यूज बहुत ज्यादा किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इसको इरेज कर देते हैं। हमारा यूज ये, हमें ये जो है कि हमने इसका यूज जान लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें जानना है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, मगर ये पहले देखना होगा कि कोर्स में है या हटा दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, पहले हम देखेंगे।